फ्लाइट के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ तकनीकी खराबी की वजह से रात का दर्जे हरारत नहीं देख पा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तकनीकी खराबी को जल्द दूर किया जाएगा। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वहीं से जो हमारे पास फैक्टर्स जो चल रहे हैं इन सारी चीज़ों के इश्यूज को आप उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो पहली बात है कि महकमे मौसमियात जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो पिछले कई एक महीने से लगभग जो है द्रास की टेम्परेचर को बहुत डाउन में दिखा रहा है, इन्हें दिखा रहा है, तो ये हमारे लिए एक दुख की बात है कि द्रास जो ओवरऑल का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, आज जो द्रास में माइनस 20 से ऊपर कहीं जगहों में माइनस 30 31 तक जो है टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो इसको हेडलाइट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसी को लेकर मैं यूटी लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन से और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि द्रास को जो है सर्दी के लिहाज से द्रास को नीचे रखने की क्या वजूहत हैं इसके बारे में तो मुझे पूरी तरीके से पता नहीं है। बार बार हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि द्रास को बार बार इन्हें दिखाया जा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर हम जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ऐसी जो है अफवाहें ना फैलाए कि यहाँ पे माइनस टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर जो है हद से ज़्यादा सर्दी बढ़ चुकी है। पिछले दो दिन से तो यहाँ माइनस 30 से ऊपर जो है टेम्परेचर जा चुका है, कहीं विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हर चीज़ जो है फ्रीज होना शुरू हो गया है, लोगों के जो है घरों के जो है बाथरूम्स वगैरह में भी जो है वो कोहरा जमना शुरू हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर हम मेट्रोलॉजिकल